सर, सर पता नहीं कैसे मेरा अंगूठा इस पाइप से चिपक गया था, अभी छूट गया सर, अभी छूटा। सर ये तो बहाना बना रहे, वो क्या है ना, आपने इसे बोला ये फर्श धो दो, उसे गुस्सा आया और इसीलिए इसने आपको धो दिया। इसने ये जानबूझकर किया, आप इसे सजा दो। सावधान, विश्राम एंड शट अप, बन जाओ और ग्राउंड में मुर्गा बन जाओ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। हिम क्रीम है, मिला मौका बहुत दिनों बाद, खाऊंगा मैं ये दो दो हिम क्रीम अकेले अकेले। छोड़ दो। डुबा डुबा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे पाले नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, खा रहा हूँ मैं हिम क्रीम। डुबा डुबा एक, तुम हिम क्रीम नहीं, डुबा डुबा दो और डुबा डुबा चार की हाथों को खा रहे हो क्या? अरे हो गई गलती मुझसे, कर दो माफ मुझे मेरे डुबा डुबा भाइयों। वो क्या है ना, नहीं खाई मैंने हिमक्रीम बहुत दिनों से, इसलिए दिखाई दे रहे मुझे हर जगह हिमक्रीम। बालवीर कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिमक्रीम हमेशा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता डुबा डुबाई, ये परिलोक के नियमों के खिलाफ। अरे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए कर सकता, किसी की मदद के लिए कर सकता, लेकिन अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं। बालवीर, अरे अनगिनत ना सही, दे दो मुझे उपहार में कुछ हिम क्रीम है। बालवीर टेंशन मत ले, मैं अभी बालवीर को बुलाता और बालवीर से पता लगाता हूँ कि इस पाइप पे गम किसने लगाया था। तुम्हें बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो तुम्हें रोहित केवल भी बता देंगे कि पाइप पे गम किसने लगाया था। इस पाइप पे गम इस हाथी ने लगाया था, मतलब मंटू बॉस ने लगाया था। हाँ, यही हाथी ने लगाया था, यही मोंटू बॉस ने लगाया था। पर हम सबको पता है कि मोंटू बॉस ही आती है, क्यों 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 बच्चों क्यों? तो सचिन सर ने तो तुम्हें मुर्गा बनाया, लेकिन मैंने टिंग टोंग। कौन है? बकरा। बकरा कौन? वो जो फंसा। रोहित केवल, वैसे मुझे मोबाइल में मुर्गे की रिंगटोन डालने की जगह बकरे की रिंगटोन डालनी चाहिए थी, है ना? मैं चिल बेबी चिल, वो क्या ना, परेशान करने का मूड है, समझा? इसलिए जब तक तुम लोग घर पहुंचोगे, तुम्हारे ऊपर एक मोटा सा धुलधुला सा 200 किलो का खतरा मंडराता रहेगा। सॉरी। रोहित केवल, इन पिद्दियों के लिए इतनी सी धमकी काफी है, है ना पिद्दियों? नहीं काफी है? हाँ? काफी है। चलो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे?
छोटी छोटी बातों के लिए बालवीर को बुलाना ठीक नहीं है। क्या छोटी मोटी छोटी बात है? हाँ, अगर हम सब मिलकर उसे हराए तो कैसे? वही तो सोचना है। हम सबको मिलके कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा उसे हराने का। और जब तक हमें कोई तरीका नहीं मिल जाता तब तक हमें उस मोंटू से बचकर ही रहना होगा। कहीं हमारे घर जाने से पहले वो हमारी टाइटर विश ना कर दे। अगर ये मोंटू आ गया तो? और अगर उसने कोई शैतानी की तो फिर हम क्या करेंगे? रमन, कुछ नहीं होगा, मैं मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। रमन, क्या है बच्चों, खुद भी डरते हो मुझे भी डराते हो, और यहाँ पे क्यों रुके हो? चलो घर नहीं जाना क्या? हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। चलो चलो घर चलो, आ जाओ। सचिन, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता है, वो मोंटू ही होगा। सचिन तू देख ना। नहीं पर नहीं, चलो नहीं तू देख। नहीं, मैं तो पहले से डरी हुई हूँ। एक काम करते, जैसे ही मैं तीन बोलूँ सब लोग अपनी अपनी वाटर बॉटल्स निकाल के उसके ऊपर फेंक देना। सचिन को यार थोड़ा कम रिस्क वाला काम नहीं है क्या? नहीं हो सकता। रेडी, एक, दो, तीन, दो। बच्चों क्यों किया तुम लोगों ने ऐसे? हमें क्या लगा कोई बुरा बच्चा हमें परेशान करने वाला है। किसी भी चीज की पूरी तरह से जानकारी रखे बगैर इस तरह से उल्टा सीधा काम नहीं किया करते बच्चों। सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। मेरी तरफ से भी सॉरी भाई साहब। आइयो आमा भाई साहब नहीं, आई एम सॉरी बहन जी। आइयो आमा बहन जी भी नहीं, हम चतुर अय्यर तुम्हारे बचपन का फ्रेंड भूल गई? हमको भूल गई? अरे चतुर, कैसा है तू? अच्छा बताओ अम्मा अप्पा कैसे? आयो वो तो ऊपर शिफ्ट हो गई। अरे रे, आई एम सॉरी चतुर। आयो ऐसा ऊपर नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर शिफ्ट हो गई। अच्छा, वैसे शिफ्ट हो गए। और बता। अयो वो तो बाद में, अभी हमको बहुत जल्दी है, हमको तुमको कुछ देने का है। अयो जी साइड में आओ। इस बॉक्स में एक गैजेट, रुको हम दिखाता। इसका नाम है गायब गजेट। ये देखो, ये जो इसका बटन है, जो भी इसको दबाएगी वो गायब हो जाएगी, किसी को भी नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन किंतु परंतु पण आइयो आमा जानता तुम्हारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन चलते, पर वो सब अभी नहीं, हमको अर्जेंट काम से बाहर को जाना। तुम इस गैजेट को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना, हम जब वापस आएंगे तब तुमसे इसको ले लेगी। ओके, हम बहुत जल्दी में हम चलते। सुनो तुम। अरे सुनो, हम चलते, हमको बहुत जल्दी है, हम चलती चलती। ओके चतुर, डोंट वरी, तुम्हारी इस गैजेट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा, डोंट वरी। बच्चों सावधान, आगे बढ़। मिल गया मोंटू को सबक सिखाने का रास्ता। हाँ, क्या बॉटल उठाओ और घर चलो। क्या कर रहे हो तुम? चिल्लाइए मत परी भयंकर,
कर देती वो शायद मुझे डांट फटकार कर, पर ढूंढ नहीं पाए कोई इलाज उन परियों का। अरे हर बार है खानी पड़ती आपको मुंह की उन परियों के हाथों। चुप करो। भयंकर परी जब दो कदम पीछे हटती है तो चार कदम आगे बढ़ के वार करती है। अब तुम देखना, मैं उन परियों के जीवन में बुराई की ऐसी आंधी लाऊंगी कि उनकी सारी अच्छाई तिनका बन के उड़ जाएगी। ये आवाज कहां से आ रही है? आवाजें? कैसी आवाज? अरे है बज रहे आपके कान ठीक वैसे जैसे है बजाया बाजा उस महागजनी ने आपका। चुप चुप करो। है? ये आवाज तो उत्तर दिशा से आ रही है। ये तो कोई मायावी तूफान है, ये सीधा हमारी तरफ आ रहा है। अरे वो क्यों खड़ी आप, भागो जान बचा के। भयंकर परी, मुझ पे हमला मत कीजिए, मैं आपकी गुलाम हूँ। क्या गुलाम? अरे हो गुलाम तो आओ बेश गुलामों की तरह। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत प्रधान को पटकने की? पर ये भयंकर आज रोक लो मुझे वरना कर बैठूंगा मैं आज कुछ। विराम। गुलाम परी अपने असली रूप में हमारे सामने आओ। मन परी पता नहीं कहां पे रख दिया पापा ने वो गैप गैजेट। सचिन मैं तो कहता हूँ कि हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है मानव, लेकिन हम ये चोरी किसी बुरे काम के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। हम एक बुरे बच्चे को सबक सिखाएंगे और गैजेट वापस लाकर रख देंगे। आजा महेश चल। अरे नहीं नहीं, अरे तू चल तो सही। अरे गजा का तुझे एक बढ़िया सा गैजेट दिखाऊं मैं। अरे गजा, उस गैजेट का नाम है गायब गैजेट। गजा, गायब होने वाला गैजेट असलियत में नहीं होता है, वो सब फिल्मों में होता है। जब देखेगा ना तभी यकीन करेगा। तुझे पता हम लोग फिल्म देखने गए थे मिस्टर इंडिया। हाँ मजा आया था। हाँ तभी अपने साथ चतुर भी था। चतुर? अरे चतुर अपना क्लासमेट। हाँ वो पहला नंबर आता था वो। हाँ तब मैंने उससे यही कहा था कि ये सब फिल्मों में होता है। तभी उसने मन में ठान लिया था कि वो साइंटिस्ट बनेगा और ऐसा अदृश्य होने वाला उपकरण बना के रहेगा। अच्छा तो ये उसने बनाया? हाँ बता मुझे बता। तुझे पता है टॉप सीक्रेट है ना ये गैजेट, इसलिए मैंने उसे पेड़ के नीचे छुपा के रखा है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? बाहर चलते हैं ना पेड़ के नीचे। अरे महेश पेड़ नहीं बेड, बेड के नीचे। बेड? आजा तुझे दिखाऊंगा। अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर है वो गैजेट। आजा तुझे दिखाऊंगा। देख इस बक्से में है वो। महेश मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे अलावा इस रूम में और भी कोई है? हाँ तो है ना। कौन है कौन है? अरे ये फूलदानी है, ये आईना है, ये अलमारी है।
वैसे नहीं कह रहा हूं तो? चल छोड़। ये है वो गैजेट। अरे हो, इसको ऐसा क्या है? कलाई पे बांधते हैं, रिस्ट पे बांधते हैं? नहीं नहीं महेश, ये जो है ना क्या, इसे ना ऐसे सर पे बांधते हैं और बटन दबाते ही इंसान गायब हो जाता है। हाँ, गायब? हाँ। गजा, क्या बात है गजा, गजा, दबाओ, 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 दबाओ। अरे क्या हो रहा है तुझे, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे तू मेरा हाथ क्यों दबा रहा है? सॉरी 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 सॉरी। गजा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करते हैं ना? नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, जब चतुर आएगा ना तब उसके सामने हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे डर लगता है गायब होने से। हाँ, और मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे कि मैं गायब हो गया हूँ। जानते चतुर आएगा ना, चतुर को गायब करेंगे और हम दोनों देखेंगे कैसे गायब होता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अभी इसको वापस रख दूं? हाँ, रख दे रख दे। बाहर नजर रखो, मैं नीचे जाता हूँ। हम तेरी बैंड बजाएंगे। यस। चलो। अरे बाप। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सचिन, एक बार फिर से सोच ले, इसमें खतरा भी हो सकता है। मानव, मोंटू को सबक सिखाना है ना? हाँ। तो फिर हाथ छोड़। तुम्हारे सामने ही हूँ और शीशे में भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ। प्लीज वापिस आ जा सचिन। प्लीज सचिन। ओके अभी आता हूँ। सचिन, एक और बार ट्राई करूंगा। नहीं सचिन, सचिन देख हमें ऐसे डरा मत। सचिन 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 अब बहुत हो गया, फाइनल वापस आ जा। सुना है सचिन तूने? उधर किससे बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। सचिन अब देखना मैं उस मोंटू की सारी हवा कैसे निकालता हूँ।